रहीम, वेलकम टू बसरा इंजीनियर सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज आलम बसरा। गाइस, ऑटोकैड में हमारा आज का टॉपिक है फ्लोरिंग प्लान में, ग्राउंड फ्लोर फ्लोरिंग प्लान ऑफ हाउस। साइज इसका है 45 बाई 68 फिट। तो आज इसका तीसरा पार्ट है। जैसा कि आपको मालूम है कि पहले पार्ट में हम इसका बगैर बॉर्डर के डिज़ाइनिंग करते हैं फ्लोरिंग की, और दूसरे पार्ट में हम इसके बॉर्डर लगाते हैं, जैसा कि ये हमने लगाया। पार्ट टू में हमने ये बॉर्डर लगाया था और उसके बाद ये खूबसूरत सी इसकी डिज़ाइनिंग आई थी। इस तरीके से ये पार्ट टू में हमने इसको मुकम्मल किया था। ये देखें, ये इसके साथ बॉर्डर लगा हुआ है और अंदर कोई भी टाइल है उसके हिसाब से। तो पार्ट थ्री में हम इसमें मज़ीद जो ये मार्बल पट्टी है इसकी विड्थ हम चेंज करते हैं और इसको बॉर्डर बनाते हैं। तो ये चलते हैं, ये हमारे पास इसकी कॉपी है। मज़ीद हम इसमें ये जो बॉर्डर है ये मुख्तलिफ जगह पे हम इसको लगाते हैं, 4 इंच या 6 इंच, डिपेंड करता है जो टाइल आप जहाँ पे लगा रहे हैं। अगर फुट किया तो 4 4 इंच की हम ये बॉर्डर पट्टी लगाएंगे, और अगर उससे बड़ी है तो फिर उसमें मुख्तलिफ उसको डिवाइड कर लेंगे 3 से या 4 से या 5 से। यानी अगर 20 इंच की है तो 5 5 इंच की कर लेंगे, और अगर 16 की है तो 4 4 इंच की कर लेंगे, 4 पीस। तो एक एक टाइल से हम उसको पीस निकालेंगे, टाइल बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। तो जहाँ पे हम 6 इंच का जो चलाते हैं पट्टी, तो ये ऑफसेट लेते हैं 6 इंच की यहाँ पे। अब एक एक करके सबको सेलेक्ट कर लें। ये देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे आ गए, सारी पट्टी को 6 इंच का ऑफसेट देंगे। इसको अलहदा भी किया जा सकता है और इसी के साथ भी ये खूबसूरत लगती है। स्टोर आ गया। एक एक करके सबको ऑफसेट कर लें। यहां से इसको भी करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आ गए, ये सारे ऑफसेट करने के बाद यहाँ पे हम इसको चैम्फर करेंगे। चैम्फर कर सकते हैं हम, इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, लेकिन चैम्फर जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे देखें, इसमें कोई डिस्टेंस तो नहीं है, डी लिखें। ये डिस्टेंस 1 इंच है, इसको 0 करें। ये हमेशा ख्याल रखें कि अगर आपने राइट एंगल पे मिलाना है तो ये डिस्टेंस यहाँ पे 0 होना चाहिए। ये पहले में थोड़ी थोड़ी ये महसूस हो रही थी कि यहाँ पे इसमें कोई डिस्टेंस था। अब ये बिल्कुल देखें, उसमें ये देखें बिल्कुल फ़र्क है, पहले इसमें डिस्टेंस था। दोबारा इसको साथ में मिला सकते हैं, ये देखें वो वाले
तो इनको मिलाएं। जैसा कि आपको पहले भी पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि एक ही जो कमांड चल रही होती है उसको दोबारा एक्टिव करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए एंटर प्रेस करते हैं। बार बार जहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होती, एक दफ़ा आपने यहाँ पे गए उसके बाद एंटर प्रेस करते जाएं तो वो चलती जाएगी। लेकिन अगर उसके दरमियान में कोई और चल जाएगी तो फिर वो पहली ख़त्म हो जाएगी। ये आ गया यहाँ पे, ये जितना एंगल आप देंगे चैम्फर के अंदर उसी हिसाब से ये इसको मिला देता है। अगर राइट एंगल पे 45 पे आपने मिलाना हो तो राइट एंगल पे मिलाएंगे तो 0-0 डिस्टेंस देंगे, और 45 पे मिलाना तो दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस देंगे। ये आ गया, इसको देख लें। पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, अदरवाइज ये इसको उल्टा देता है, रिवर्स हो जाती है। ये देखें, अगर आप इसको पकड़ेंगे तो ये इस तरफ को चली गई, उधर को नहीं गई, तो गलत हो गई। तो इसलिए पहले इसके साथ मिलाएंगे, इसको इसको मिलाएंगे, इसके बाद फिर इसको यहाँ से इस तरफ से पकड़ें, इधर से नहीं पकड़ें, इस तरफ से जिस तरफ को मिलाना है उस तरफ से पकड़ें। अगर इधर से पकड़ेंगे तो वो इधर से ख़त्म कर देगा। अब हमने इधर से पकड़ा, देखें इधर से ख़त्म कर दिया। ये आ गया यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आ गया, इसको भी देख लेंगे। यहाँ पे ये मिल गया लास्ट में, ये इसको यहाँ से हम ये करते हैं। तो अगर कोई डिज़ाइन बनाना हो तो दरमियान से भी इसको सीधा लैदा लैदा दोनों को कर सकते हैं। तो इसमें तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही ज़्यादा इसमें नई नई चीज़ें आपको नज़र आएंगी। मज़ीद अगर आपको इसमें डिज़ाइनिंग करवाना चाहेंगे तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ये हो गया जी, अब चलते हैं इसमें हैचिंग करेंगे, इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले ये इसको पकड़ें, ये आ गया इसके अंदर। ये सबसे पहले आप इसमें सारे सिलेक्शन कर लें, बाद में कोई भी कलर हम देख लेंगे कि कौन सा कलर इसमें रखना है। ये आ गया, ये उल्टा हो गया, इसमें कैंसिल करना पड़ेगा। सारे का सारा इसको दोबारा से करना पड़ेगा।
यहाँ पे आ गए। ये आ गया, तो ये हो गया सारा जो पट्टी है इसके अंदर। इसके बाद बाहर वाला बॉर्डर सिलेक्शन करेंगे। ये आ गया, सबके अंदर सारी सिलेक्शन इकट्ठी हो गई। इसके बाद कमरों के अंदर ये स्टोर, टीवी लाउंज और ये रूम, ये मुकम्मल करने के बाद अब हम इसकी डिज़ाइन देखेंगे कि इसमें कौन सा डिज़ाइन रखना है। यहाँ से सबसे पहले हम इसको ऑफ वाइट में रखेंगे। अंदर भी यहाँ पे ऑफ वाइट, ये इसमें यहाँ से डिज़ाइन रखेंगे ये वाला। यहाँ से स्केल चेंज कर लेंगे, ये हो गया। ये कलर जो है इसमें ये वाला, तो इसके साथ ये देखें हमने पूरे का पूरा सिलेक्शन कर लिया है। फर्स्ट टाइम है, यही हम इसके अंदर भी रख सकते हैं, सब के अंदर पूरे का पूरा एक ही सिस्टम हो सकता है। ये देखें, सिर्फ यहाँ पे शेल्फ चेंज करेंगे, शेल्फ में रेड कलर ले लें या कोई भी कलर ले लें। ये ले लें, बहुत ही प्यारा इसके साथ ये डिजाइनिंग है। यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें हैं। इसके बाद इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे दो तीन कॉपी कर लेंगे। इसको ऑफ करने से ये फायदा होता है, लेयर्स ऑफ कर लें ताकि फिर बाद में इसको बैक साइड फ्रंट पे लेने आगे तो मसला रहता है। ये आ गया, इस पट्टी को इसके साथ देखेंगे लाइट ग्रीन के साथ। अगर हम ये टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ कैसा लगता है, इसको भी। ये आ गया, इसमें वॉशरूम को हम अलहदा ये रख सकते हैं। इसी तरह लाइट ग्रीन लेंगे ये वाला कलर। ये देख, बहुत ही प्यारे ये कलर्स हैं इसके अंदर भी। यहाँ पे एंगल चेंज कर सकते हैं, शेल्फ का कलर भी चेंज कर लें।
देखे बहुत ही प्यारा ये कलर्स है। लेकिन ये जो रेड है इसके साथ यहाँ पे वॉल जो है ये इसका कलर और हो तो फिर ये ज़्यादा खूबसूरत पता चलता है। ये देखें कितना प्यारा ये। अब आपको डिज़ाइनिंग जी समझ आई। तो ये रेड के साथ ये इसमें मार्बल पट्टी जो है ये यहाँ टाइल की जो पट्टी है, अगर आप हमसे डिज़ाइनिंग करेंगे तो हम इसमें सारी डिज़ाइनिंग करके यहाँ पे कितना पीस लगता है, ये इसका टेपर कितना है, ये कटिंग कितनी होती है, ये सारी इसमें डिज़ाइन करके देंगे आपको। इसकी सारी कैलकुलेशन हो जाती है। अभी तो हम रफली इसको देख रहे हैं कि एक किस साइज़ के, अगर उस वक्त डिसाइड होगा कि ये इसका साइज़ कितना रखना है, 16 बाई 16 रख रहे हैं, फुट बाई फुट रख रहे हैं, फुट बाई 2 फुट रख रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से ये सारी डिज़ाइनिंग होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे, रेड के साथ इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे और कलर ले लें, ये सादा कलर। ये दो कलर भी इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन हम चूंकि पट्टी लगा रहे हैं तो इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पे भी ये हो गया। यहाँ पे आप और कलर भी ले सकते हैं इसके साथ, ये कलर भी कर सही है। मज़ीद अगर आप इसको करना चाहेंगे तो और कलर भी लेंगे। इसी के साथ और कलर देखें, ग्रीन कलर हो सकता है, ये वाला कलर हो सकता है, ये लाइट ग्रीन में देखें। ये आ गया। इसमें यहाँ पे शेल्फ जो है इसको भी यही कलर देंगे। बहुत ही खूबसूरत ये कलर है लेकिन थोड़ा डार्क है, तो जो आपकी पसंद है उसी हिसाब से हम इसको देखेंगे। लेयर ऑफ होने की वजह से ये आगे कॉपी नहीं हुई। बहरहाल ये कुछ चीज़ें बैक साइड पे चली गई लेकिन इसमें आपको हर चीज़ क्लियर है कि ये इस तरीके से ये बेड बेड के साथ कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। ये हो गया, इसको बैक साइड पे ले जाएं। जिसके ऊपर ये कलर्स हैं ये वाले को आगे लेके जाएंगे, इसी की कॉपी करेंगे।
अब इसमें देखते हैं कि ये इसी को हम उसमें सेट करके देखते हैं। ये आ गया। और इसके नीचे जो है इसमें ये देखें, यहाँ पर भी डार्क कलर लेंगे, कोई दूसरा कलर ले लें। ये देखें ये कलर भी हो सकता है, ये इसी के अंदर ये हो सकता है। ऑफ वाइट तो खैर ऑलरेडी है, ये आ गया। तो इसमें ये देखेंगे इसको बैक साइड पे सारा करना पड़ेगा। इस वजह से इसको ऑन नहीं रखते। तो ये सिर्फ हम एक दो में आपको रख के दिखा देंगे। ये देखें यहाँ पे हर चीज़ आ गई। अब आगे चलते हैं, इसमें इसी को कॉपी करते जाते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं। इस पट्टी को चेंज करते हैं ब्लू में, ब्लू ले लें। ब्लू के साथ ये पट्टी भी अच्छी लगती है। मजीद इसको कॉपी कर लें। ब्लू के साथ अंदर वाला कलर चेंज करते हैं। इसके साथ लाइट ग्रीन भी खूबसूरत रहता है। लाइट ग्रीन में देख लें इसको, ये लाइट ब्लू है। लाइट ग्रीन भी हम इस्तेमाल करेंगे आगे। इसको वजह करने के लिए डार्क कलर थोड़ा, ये आ गया। ये कलर हम इसको कम चेंज कर रहे हैं कि ये आगे हमने काफी डिस्कस कर लिया था इसको। इसमें कोई और कलर आपकी ये देखें कर सकते हैं। लेकिन आज हम ज्यादा जो है इसको बॉर्डर को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये कलर देखें। इसी के साथ यहाँ पे लाइट ग्रीन, ये आ गया ये लाइट ग्रीन यहाँ से, और अंदर भी जो है ये आ गया। इसके साथ भी माशाल्लाह ये बॉर्डर बहुत प्यारा लगता है। ये देखें यहाँ पे आप इसमें अलहदा भी कर सकते हैं, ग्रीन में भी ले सकते हैं, डार्क ग्रीन ले लें। और ये इसी को भी आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप जो भी चाहें। देखिए ये कलर यूज़ कर सकते हैं।
उसके साथ यहाँ पे आप इसको चेंज करते रहें, जो मैचिंग में आता है उसी हिसाब से करेंगे। मज़ीद आगे इसको कॉपी करते हैं, अब आगे आते हैं इसमें और कलर देखते हैं कौन सा। ये दोनों हो गए, ये ऑफ वाइट के साथ भी, ये ग्रीन कलर ऑफ वाइट हमने पहले इस्तेमाल किया। ज़्यादा नहीं किया, अंदर भी ऑफ वाइट ले लें, इसके साथ भी ये बॉर्डर पट्टी बहुत ही खूबसूरत है। इसका एंगल चेंज करके देख लें, यहाँ पे एंगल चेंज करें 45, हल्के ये आ गया, ये स्क्वायर में आ गए सारे, और वॉशरूम जो है वो डायगोनल में। दोनों का आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसका कलर जो है वॉल कलर जो है इसको ब्लू करेंगे। अब इसमें हम इसमें कलर जो है रेड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाल की वजह से ये गड़बड़ हो जाती थी। अब जहाँ पे किचन वगैरह में आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, मैरून कलर, ये देखें पहले वो साथ मैच कर जाता था इसलिए खूबसूरत नहीं लगता था, अब इसमें ये अच्छा लगेगा। इसी तरह ये जो है इसका आप एंगल चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये आ गया, मज़ीद कॉपी कर लें इसको। यहाँ पे इसको ज़्यादातर मैरून कलर होता है या ग्रे कलर होता है, इसलिए इसको वही इस्तेमाल करें। हाँ अलबत्ता इसका एंगल चेंज कर सकते हैं आप, 45 कर लें, ये आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये कलर आ गए, अंदर भी ये वाला कलर, ऊपर जो है ऊपर थोड़ा ये कलर आ गया सारे। यहाँ पे इसको भी इसी के अंदर आप डायगनल, इसको डायगनल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पे देखें, इसको लाइट कलर करेंगे। अब यहाँ से इसमें ग्रीन में देखें, ग्रीन में कौन सा कलर आ सकता है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ये वाला, कलर तो बहुत तरह के होते हैं लेकिन इसमें ज़्यादातर लाइट कलर जो है वो ही खूबसूरत लगते हैं। ये कलर भी है, मजीद इसको कॉपी कर लें। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ऑफ वाइट बॉर्डर हमने जब इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, इसको ऑफ वाइट करते हैं, फिर देखते हैं कि ये सारा ऑफ वाइट हो गया। और जहाँ इसके साथ हम कलर लेते हैं कोई और, ये कलर भी इसके साथ अच्छा है, ऑफ वाइट के साथ। तो ये ऑफ वाइट जो कलर है, हम इसको जनरली ऑफ वाइट लेते हैं, ऑफ वाइट कहते हैं यहाँ पे। तो ये इसमें ये एवरी कलर हो सकता है, विरोना हो सकता है, ये मतलब से मिलते जुलते कलर जो है कोई भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये मार्केट में अवेलेबिलिटी, और दूसरा टाइल के हिसाब से ये है कि टाइल कौन सी मिल रही है, मार्बल कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, अगर मार्बल है तो उसके साथ कौन सा आपको कलर मिल रहा है, तो ये वहाँ से डिपेंड करता है आपके नज़दीक कौन सी मार्केट पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। बाज़ दफ़ा ऑफ वाइट की टाइल ही जहाँ पे इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, या उसमें कोई डिज़ाइनिंग आ जाती है या कोई उसके साथ मैचिंग नहीं होती, तो फिर उसमें चेंजेस आती हैं। ये आ गया, इसी को मज़ीद करें यहाँ पे ऑफ वाइट। यहाँ पे आ गया डार्क कलर, ये ले लें, ये रेड रेड का भी हो सकता है, ये देखें। डार्क रेड में आ गया, अंदर भी डार्क रेड आ गया, ये एक्चुअली मैरून कलर है ये। तो उसके साथ जहां भी हम इसको चेंज कर देंगे, ग्रीन ले सकते हैं, ये देखें बहुत प्यारा है, इसके साथ मैचिंग हुई है डार्क ग्रीन रेड के साथ। और मज़ीद अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ऑफ वाइट भी ले सकते हैं,
इसके साथ ऑफ देखें, ऑफ वाइट कितना प्यारा। बहुत ही खूबसूरत ये स्टाइल है। यहाँ पे बिल्कुल डार्क ग्रीन को भी ले सकते हैं आप। लेकिन बाहर सूद इसमें हल्के कलर ही यहाँ से आपको ज़्यादा खूबसूरत मिलेंगे, ज़्यादा जो डार्क कलर है वो सिर्फ वाशरूम में यूज़ हो सकता है। ये देखें, ये ब्लू में है। बाहर भी ये कलर, कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा कलर चेंज ना करने पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर अलग अलग करने से उसकी लुक ख़राब हो जाती है। यहाँ पे चेंज कर लें। ये देखें, ये लाइट में इसी को हम रिवर्स कर सकते हैं। ये देखें इसके अंदर, यानी यहाँ पे हम इसको लाइट कर लेते हैं। ये आ गया, यहाँ पे भी ये आगे कलर यहाँ पे, और यहाँ पे डार्क कलर। ये देखें, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो जहाँ ये ऑफ वाइट की बजाय थोड़ा सा डार्क इसको करना पड़ेगा, ये वाला। ये ऑफ वाइट से ज़्यादा खूबसूरत है, इसके साथ मैचिंग है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें ऑफ ग्रे कलर के साथ। लास्ट पे हम इसको यहाँ पे ग्रे कलर रखेंगे और अंदर भी। ये आ गया, और यहाँ पे सबसे पहले मैरून कलर रखेंगे, मैरून के साथ ये ग्रे का आ गया। तो ये तो जहाँ पे लाइट ब्लू हमने रखा, लेकिन अगले में हम इसको देखते हैं सेम कलर सब में। यहाँ पे भी यही कलर ले लें। ये आ गया, अलबत्ता इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी एंगल चेंज कर सकते हैं कि हम इसको इसकी बजाय यहाँ से इसको तो वही रखें, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज कर दें। ये आ गया, ये देखें बहुत ही प्यारा स्टाइल हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ऑफ वाइट के साथ ना, इसी के साथ जो है बॉर्डर की चेंजिंग जो है, यहाँ एक दफ़ा ब्लू के साथ,
झूले के साथ भी ये बहुत प्यारी है। लेकिन अलबत्ता ये है कि जहाँ पे फिर इसको वाजे करने के लिए इसको रेड करना पड़ेगा, मैरून। तो यहाँ पे वाल्स का पता नहीं चलता, ये आ गया। अब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो गया, ये देखें बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे आगे ग्रीन को कर लें, ग्रीन के साथ ये भी गाइस बहुत प्यारा। अब आखिर में हम चलते हैं इसमें प्योर ग्रे में। वीडियो लेंथी होती जा रही है, यहाँ से हम इसको पट्टी जो है ब्लैक में रखेंगे। बहुत ही प्यारा कलर ये ब्लैक का, ये देखें। इसके साथ इसको कॉपी करें, इस कलर को कम करें, लाइट ग्रे, ये वाली पट्टी आ गई। और यहाँ वॉशरूम को चेंज करें, ये थोड़ा डार्क किया हमने इसको, अलहदा अलहदा नजर आएगा। लेकिन इससे आगे चलेंगे तो अब जो है वॉशरूम को ज्यादा डार्क कलर देंगे। ये देखें, ये बहुत ही इसमें खूबसूरत है इसका डार्क कलर जो है। इसके साथ यहाँ पे हम इसको भी ग्रे कलर में चेंज करेंगे। ये देखें, बहुत ही प्यारा कलर है इसके अंदर। और अगर हमने यहाँ पे टॉप पेपर को यूज चेंज करना है तो कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला कलर है, इसकी स्केल ज़्यादा करनी पड़ेगी, 75 कर लें। ये देखें, ये ग्रे के अंदर है, यहां पे हमने ग्रे में ये कलर यूज़ नहीं किया, ये भी इसके साथ बहुत प्यारा है वॉशरूम्स के अंदर, किचन के अंदर। तो यहाँ पे तो सारा हमने ग्रे कलर इस्तेमाल किया। यहाँ पे इसको वही कलर ये आ गया। और यहाँ इसके अंदर ग्रे में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ये आ गया। तो बहुत ही प्यारे कलर्स हैं ये।
जो हमने आपको बना बना के दिखाए हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बना के दिखाएँ। तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।